Hello students, today we are going to see the exercise number 3D. Exercise 3C is skip, means आपको उसको नहीं करना है, वो आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, क्योंकि उसके मेथड में सामने यूज नहीं है 9 एंड 10. तो यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 3D के अंदर के मैं आपको दो तीन क्वेश्चन समझा देता हूँ, बाकी न्यूमेरिकल आपको खुद ट्राई करके देखने, काफी सिंपल से न्यूमेरिकल है. जैसे सबसे पहला एक न्यूमेरिकल दिया हुआ 225, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, एंड देन 11025, इसका भी हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले मैं 225 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके दिखाता हूँ. तो आपको करना क्या, देखो 225 के आपको प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं, ठीक है. तो वो कैसे बनाते हैं, देखो आप प्राइम फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, आपको प्राइम नंबर से इस नंबर को डिवाइड करना है. जैसे प्राइम नंबर कौन से, तो 2 है, देन 3, 5, 7, 11, 13, 17, मतलब ऐसे नंबर जो किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आते उनको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर. उसी तरह के प्राइम नंबर का यूज करके आपको 225 को डिवाइड करना है. तो 3 से डिवाइड हो सकता है, तो चेक करो 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, है ना. आपको 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट मालूम है, जो टेस्ट क्या बताती है कि अगर सम ऑफ नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3. तो ये नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा. तो 3 7 जा 21, है ना, 3 7 जा 21, 22 में से 21 गए बचे 1, 1 पे 5 हो गए 15, तो 3 5 जा 15. इस तरह से मैंने यहाँ पे 3 से 225 को डिवाइड किया, जो आंसर आया वो यहाँ पे लिखना. उसके बाद जो नंबर आ रहा है 7 प्लस 5 12, मतलब ये भी नंबर 3 से डिविजिबल है, तो 3 2 जा 6, 1 पे 5, 3 5 जा 15. इसके बाद वाला नंबर जो है 25, ये 3 के टेबल में नहीं आता, पर मुझे मालूम है 5 5 जा 25 होता है, और 5 1 जा 5. तो अभी जो फैक्टर्स आए इनको यहाँ पे लिखो, 3 × 3, 5 × 5, और बाद में जो आप स्क्वायर रूट लिखोगे तब क्या करना है, इस तरह से स्क्वायर रूट के साइन के अंदर लिखो, और दो दो नंबर के पेयर में से एक नंबर निकालो. तो 3 3 की पेयर बनती है, 5 5 की पेयर बनती है, तो 2 3 में से 1 3 निकालो, 2 5 में से 1 5 निकालो, है ना, और फिर इसका मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, तो 3 5 15, तो 225 का स्क्वायर रूट हमारा क्या निकला है यहाँ पे 15. तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. देन अनदर क्वेश्चन इज 11025, इस नंबर का भी हमें स्क्वायर रूट निकालना है सेम इसी मेथड से. तो मैं कहकर दिखाता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं. 11025 फिर से हमें वही करना है, ये नंबर जो है वो कौन से प्राइम नंबर से डिविजिबल है वो आपको चेक करना है. 2 से डिवाइड हो नहीं सकता क्योंकि यूनिट प्लेस में 5 लिखा है, इवन नंबर नहीं है. 3 से डिवाइड हो सकता है, तो देखो 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, इस 3 से ये नंबर डिवाइड होता है, तो मैं 3 से इसको डिवाइड कर देता हूँ. 3 3 जा 9. अगर आप डायरेक्टली डिविजन नहीं कर सकते तो आपको डिविजन साइड में करना है, और यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखना है. मैं यहाँ पे डायरेक्ट डिविजन करता हूँ, तो 3 3 जा होता है 9, 11 में से 9 गए बचे 2, 2 के ऊपर 0 आ जाएगा, हो जाएंगे 20, 3 6 जा 18, सही है. 20 में से 18 गए बचे 2, 2 पे 2 कितने हुए 22, 3 7 जा 21, 22 में से 21 गए बचा 1, 1 पे 5 15, 3 5 जा 15, है ना. मैं जिस तरह से आपके डिवीजन यहाँ पे कर रहा हूँ उसी तरह से आपको डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, अगर आता है तो करो, नहीं तो फिर आप सिंपल डिवीजन करके भी डायरेक्ट आंसर यहाँ पर लिख सकते. उसके बाद फिर से ये नंबर में 3 से डिवाइड होता है क्या, चेक करो. तो 7 प्लस 5 हमारे हो गए 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 3 21, मतलब ये नंबर में 3 से डिवाइड होगा, तो मैं इसको 3 से डिवाइड कर देता हूँ. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ऐसा समझ में. तो इस तरह से आप इसको 3 से डिवाइड कर सकते हो. फिर से जो नंबर है उसमें भी 3 से डिवाइड होता है क्या, चेक करो. 5 प्लस 4 9 प्लस 1 10, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इस केस में यहाँ पे 5 से डिवाइड कर देता हूँ क्योंकि यूनिट प्लेस में 5 लिखा है. 5 2 जा 10, 2 पे 2 हो गए 22, 5 4 जा 20, 2 पे 5, 5 5 जा 21. फिर से इसको 5 से डिवाइड करो, 5 4 जा 20, 4 पे 5 बच रहे, 5 9 जा 45, देन 7 7 जा 49, एंड 7 1 जा 7, है ना. तो मेरे पास जो फैक्टर्स आए उनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 3 × 3, 5 × 5, 7 × 7, सभी नंबर में से एक एक आपको लेना है, सभी पेयर में से एक एक नंबर लेना है. 3 3 5 5 7 7, तो 1 3 1 5 1 7, कितना होगा, 3 5 15, और 15 7 105, मीन्स 11025 का स्क्वायर रूट आपका कितना आना चाहिए,
110। तो इस तरह से आप ना इन दोनों नंबर के स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। और इसके बाद में एनी न्यूमेरिकल को जो है वो इसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज है ना एक्सरसाइज 3E उसके अंदर स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोला है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो वो भी आपको मैं इसके बाद में समझा देता हूं। ये था मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला हुआ स्क्वायर रूट और यही नंबर का हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी स्क्वायर रूट निकाल के देखेंगे और दोनों की वैल्यू सेम आती है क्या चेक करें। और उसके बाद आपको क्या करना है एक्सरसाइज 3D को भी सॉल्व करना है और एक्सरसाइज 3E को भी सॉल्व करना है। दोनों एक्सरसाइज आप सॉल्व करके देखो और जो भी न्यूमेरिकल्स में आपको डाउट आएगा वो आप उससे पूछ लिया है। सबसे सिंपल वाला 225, मुझे क्या करना है 225 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखो मेथड किस तरह की है, सबसे पहले तो आप इस नंबर को लिख लोगे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 225। उसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पे पेयरिंग्स बनाने हैं, मतलब पेयर्स बनाने हैं दो दो नंबर के। बट पेयर्स बनाते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि पेयर्स आप कहाँ से बनाना शुरू करोगे, राइट हैंड साइड से, राइट से लेके तो लेफ्ट की तरफ आपको पेयर्स बनाते जाने हैं। तो मैं सबसे पहले मैंने पेयर बनाई 25 की और बाद में एक पेयर बनाई 2। समझ में आया आपको मैंने कैसे पेयर्स बनाए, राइट हैंड से लेके हुए लेफ्ट हैंड की तरफ। तो 25 का एक पेयर बन गया, उसके बाद 2 अकेला है, उसके साथ कोई नंबर नहीं है तो उसको अकेले को वैसे लगा दो। अभी आप क्या करोगे, जो मेरे पास अभी यहाँ पे नंबर है उस नंबर से छोटा या फिर उस नंबर के इक्वल किसी नंबर का स्क्वायर है क्या यह हमें चेक करना है। तो मुझे मालूम है 2 तो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, बट 2 से छोटा एक नंबर है 1 जो कि 1 का स्क्वायर है। समझ में आया आपको, तो जिस भी नंबर का वो स्क्वायर होगा वो नंबर को आपको कितने टाइम्स लिखना है 3 times। देखो मैं लिख के दिखाता हूँ 1+1 and 1, समझ में। तो इस तरह से आप उस नंबर को कितनी बार लिखोगे 3 times लिखोगे 3 बार। तो मैंने वही किया, 1 का स्क्वायर था ना इसलिए मैंने 1 को यहाँ पे 3 times लिख दिया और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, तो उस 1 को यहाँ से माइनस कर दो, 2 में से 1 गए कितने बचेंगे मेरे पास 1। और उसके बाद नेक्स्ट नंबर को आप नीचे ले लोगे, नेक्स्ट नंबर को नहीं नेक्स्ट पेयर को, जो भी नंबर की पूरी पेयर होगी वो पूरी पेयर आपको नीचे ले लेंगे, आया समझ में। इधर ऐड करो 1+1 कितने हो गए 2। अभी इसके बाद क्या करना, इसके बाद आप 2 के बाद कुछ ऐसा नंबर लिखो और उसी नंबर से आपको यहाँ पे जो नंबर फॉर्म होगा उसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल करके लिखाता हूँ, अगर मैंने 2 के सामने 1 लिखा तो मुझे 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब आंसर कितना आ रहा है 21। समझ में आया, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा नंबर लिखना है कि जो नंबर यहाँ पर लिखने के बाद उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर या फिर इससे छोटा नंबर आता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो मुझे 2 से करना पड़ेगा, 22 2 = 44 हो गया। अगर मैं 3 लिखता हूँ तो 3 से करना पड़ेगा, 23 3 = 69। अगर मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ तो 4 से करना होगा, अगर मैं 5 लिखता हूँ तो 5 से करना होगा, तो 25 5 = 125, मतलब ये आपका एकदम सही आ रहा है। तो मैं यहाँ पे कौन सा नंबर लिखूंगा 5 लिखूंगा, ऐसा समझ में। तो जो भी नंबर आप लिखोगे उसको कितने बार लिखना है 3 times, है ना। तो ये हो गया 30 और यहाँ भी मैंने 5 लिख दिया, देखो 1 2 3 3 times लिखा। और जो भी इसका स्क्वायर आया था या फिर मल्टीप्लीकेशन आया था 25 5 कितना आया था 125, वो आप इसमें से माइनस कर दो तो यहाँ पे आ गया 0। मतलब ये जो नंबर है 225 उसका स्क्वायर रूट आपको मिल चुका है, कितना है रूट 225 की वैल्यू कितनी आई 15, तो वो आप आंसर इसके सामने पे लिख के रख सकते। तो इस तरह से हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी नंबर का इस मेथड से, ठीक है। ये तो हो गया एक सिंपल सा न्यूमेरिकल। एक और न्यूमेरिकल मैं समझाता हूँ जिससे फिर आपको और भी इजीली आप बाकी न्यूमेरिकल्स को आराम से सॉल्व कर पाओगे। देखो एक और करके दिखाता हूँ। सेकंड जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो है 11025, इसका भी हमें स्क्वायर रूट निकालना है। बिल्कुल वही हमें करना है, इस बार मैंने 3 digit का नंबर लिया था, इस केस में मैंने 5 digit का नंबर लिया। तो लिखो 11025। सबसे पहला वर्क हम क्या करते हैं, पेयर्स बनाते हैं फॉर्म राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहली पेयर मेरी बनी 25, सेकंड पेयर बनी 10 एंड देन लास्ट पेयर इज 1। ओके, तो जो मेरा फर्स्ट नंबर है 1 उससे छोटा स्क्वायर या फिर उससे के बराबर स्क्वायर वाला नंबर कौन सा है वो देखो। तो मुझे मालूम है 1 जो है वो 1 का ही स्क्वायर है, तो जिस भी नंबर का वो स्क्वायर है उसको कितनी बार लिखना है 3 times। तो मैंने लिख दिया 1+1 हो गए 2।
और वही नंबर 1 का स्क्वायर इसमें से माइनस कर दो, आंसर आया 0। देन नेक्स्ट पेयर को नीचे लेना, नेक्स्ट पेयर क्या है मेरी 10। अभी मुझे क्या करना है, 2 के सामने कुछ ऐसा नंबर लिखना होगा जिस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर या फिर इससे छोटा नंबर आता है। तो अगर मैं 2 के सामने 1 लिखता हूं तो हो जाएगा 21 जो कि ऑलरेडी 10 से बड़ा है, मतलब मैं 1 तो लिख ही नहीं सकता। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। अगर 2 के सामने 0 लिख के 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 0 आता है, मतलब इससे छोटा आता है, तो वही करना पड़ेगा। तो 0 को भी कितनी बार लिखोगे, 3 टाइम्स, 1 2 एंड 3, 20 प्लस 0 कितना हो गया 20 हो गया, यहां पे आ गया मेरा 0 और 20 0 का 0 था इसलिए 0 से माइनस कर दो, ऐसा ना। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट पेयर है, उसको नीचे लेना है। नेक्स्ट पेयर होगी मेरी 25, तो 1025 इस तरह का नंबर यहां पे फॉर्म हो चुका। अभी क्या करना है, 20 के सामने फिर से कोई ऐसा नंबर लिखो और उसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर या फिर इससे छोटा नंबर आना चाहिए। अगर मैं इसके सामने 1 लिखता हूं तो 201 × 1 कितना आता है, 201। बट लास्ट में यहां पे क्या है, 5 है और मुझे मालूम है 5 जो है वो सिर्फ 5 के टेबल में ही आता है। मतलब अगर मैं यहां पे 205 ले लूं, 205 × 5 तो आंसर आ सकता है, मे बी कर लेता हूं। 5 5 = 25 बचे 2, 5 0 = 0 + 2 2 and 5 2 = 10, तो आंसर आ रहा है 1025, मतलब एकदम सही है। तो मैं अभी 5 को कितनी टाइम्स लिख दूंगा, 3 टाइम्स लिख दिया, ये हो गया 210 और यहां पे 1025 हो गया माइनस, तो आंसर आ गया 105, मतलब 11025। ये जो नंबर था वो कौन से नंबर का स्क्वायर था, ये था 105 का स्क्वायर, है ना। तो आई होप आपको ये जो न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे समझाया वो दोनों न्यूमेरिकल आपको समझ में आ चुके हैं। कुछ आपके शॉर्ट एग्जांपल भी ले लेता हूँ मैं, जैसे एग्जांपल 6 दिया हुआ है पेज नंबर 50 के ऊपर, तो इस एग्जांपल को भी मैं यहाँ पे कंसेप्ट को समझा देता हूँ ताकि इसके रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल आपके बुक में दिए हुए आप कर पाओ। एक एग्जाम्पल 7 भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एग्जाम्पल लिखता नहीं आपके पढ़ के बनाता हूँ मैं। एग्जाम्पल कुछ तरह से है, find the smallest number by which 396 must be multiplied so that the product becomes perfect square। उनका बोलना है कि 396 एक नंबर है मेरे पास, इस नंबर को कौन से लिस्ट नंबर से आप मल्टीप्लाई करो ताकि वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। उन्होंने बोला है 396 में कौन से नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना होगा ताकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बने। तो आप क्या करोगे, 396 के प्राइम फैक्टर्स बना दो, जैसे हमने इसके पहले भी किया। तो 396 के प्राइम फैक्टर बनाते समय यहाँ पे 6 दिख रहा है, मतलब ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, तो मैं कर लेता हूँ 2 1 2, 3 में से 2 गए बचा 1, 1 पे 9 कितने हुए 19, तो 2 9 सा 18 सही है, 19 में से 18 गए बचे 1, 1 पे 6 16, 2 8 सा 16। उसके बाद फिर से 2 से डिवाइड करो क्योंकि यूनिट प्लेस पे 8 है, मतलब 2 से डिविजन होगा, 2 9 सा 18, 2 9 = 18 क्योंकि 1 पे 8 फिर से बचा। इसके बाद में ये जो नंबर है इस नंबर में 3 से डिवाइड होगा क्योंकि 9 + 9 18 होता है, तो 3 से करोगे 3 3 = 9, 3 3 = 9। उसके बाद फिर से 3 से करो 3 11 and then 11 1, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये पूरे नंबर को डिवाइड कर लिया। इसके फैक्टर में यहाँ पे लिख देता हूँ 2 × 2 3 × 3 and 11। तो यहाँ पे 2 की तो पेयर फॉर्म हो रही है, 3 की भी पेयर फॉर्म हो रही है, बट 11 की कोई पेयर यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रही है, और इसीलिए आपको यहाँ पे लिखना होगा सो टू मेक 396 अ परफेक्ट स्क्वायर वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 11। आपको इस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11 से, क्योंकि अगर आप 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे तभी ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता, आया समझ में। अब देन एक लास्ट क्वेश्चन मैं यहां पर आपको समझा देता हूं, एग्जांपल 7, जिसका यूज करके आप एक्सरसाइज 3D में से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो कुछ न्यूमेरिकल इस तरह से है, फाइंड द लिस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ 8 9 एंड 10। तो उसने बोला है 8 9 एंड 10 इन तीनों नंबर से डिविजिबल हो जाए ऐसा छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा है। तो आप क्या करोगे, इन तीनों का एलसीएम निकालो सबसे पहले, तो एलसीएम आपको निकालना आता है, एलसीएम कैसे निकालते हो, 8 9 and 10 इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालना है। तो तीनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमन
एक नंबर जिससे इसको डिवीजन हो सकता है, तो मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, 2 4 8, 2 से 9 में तो डिवीजन होगा नहीं, तो मैं 9 को ऐसे लिखता हूँ, 2 5 10, है ना। और यहाँ पे बाद में किसी भी नंबर से डिवीजन नहीं होता, तो एलसीएम क्या होगा, 2 × 4 × 9 × 5, सभी नंबर का मल्टीप्लाई करो, 5 4 5 2 10 और 9 4 36, 36 × 10 कितने हुए, 360, ठीक है। तो मेरा एलसीएम कितना आया, 360। अभी क्या करना है आपको, फिर से वही करना है जो हमने इसके पहले किया, 360 के प्राइम फैक्टर्स बनाओ। 360 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 2, 3 में से 2 गए बचा 1, 1 पे 6 16, 2 8 16 और 2 0 0, फिर से 2 से डिवाइड करो, 2 9 18, 2 0 0, 2 45, देन 3 से डिवाइड होता है, 3 1 3, 3 5 15, देन 3 5 15, देन 5 1 5। तो यहाँ पे मुझे 360 के जो फैक्टर्स मिले वो देखो, कौन से नंबर की पेयर फॉर्म हो रही है, 2 की पेयर फॉर्म होती है, 3 की पेयर फॉर्म होती है, बट 5 और 2 की पेयर फॉर्म नहीं हो रही है। मुझे क्या करना पड़ेगा, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 360 by 10, 360 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से, तो मुझे मिल जाएगा 3600। और ये जो नंबर होगा, ये होगा परफेक्ट स्क्वायर, लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर, जिससे इन तीनों नंबर से डिवीजन होगा, है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं, और इनका यूज करके आप एक्सरसाइज 3D और एक्सरसाइज 3E, इन दोनों एक्सरसाइज में से क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, और जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए वो आप मुझे मैसेज बॉक्स में टाइप करके भेजो, ताकि मैं उसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर उनको यहाँ पे कवर अप कर लूँ, ठीक है। थैंक यू।